तो गाइस आज मैं बताऊंगा आपको स्टेशन से दरगाह शरीफ कैसे जाएं, दरगाह शरीफ के पास कहां मिल रहा है सस्ता रूम, और आप लोग ख्वाजा गरीब नवाज गेस्ट हाउस में कैसे रूम लें। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और ब्लॉग में। ये वाला जो ब्लॉग है बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम जाएंगे अजमेर शरीफ। तो जुड़े रहिए हमारे इस ब्लॉग में और देखिए ब्लॉग को लास्ट तक, काफ़ी एडवेंचर रहेगा। अभी हम मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर हैं और इसलिए रहेगा क्योंकि हम जा रहे हैं पटरियों पर दौड़कर पैदल पैदल, और काफ़ी मज़ेदार ये सफ़र रहने वाला है। तो आप जुड़े रहिए और देखिए, दिखाते हैं हम आपको वहाँ पर कैसे पहुँचा जाता है। अब ये देखिए रेलवे स्टेशन पर हम एंटर होने वाले हैं, और एंटर होते ही आपको मिलेगा वाला हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंखा। इस पंखे से रतनपुर कला तक हवा जाती है। देखिए ये इंडियन रेलवे का हाल है, यहाँ पर कोई वेटिंग रूम नहीं होता इनका, सब ऐसे ही रहते हैं। तो गाइस हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हैं और जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। देखिए ऊपर ऊपर जाना होगा हमें। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप ये लाइन क्रॉस करने के लिए ऊपर जाएंगे तो आपको ये जवानों के लिए और ये बुड्ढों के लिए, जैसा कि आपको बादाम बुड्ढे हैं। तो दोस्तों देखिए ये अपनी ट्रेन खड़ी हुई है। तो देखिए काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। देखते हैं अंदर कर क्या हाल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है प्लेटफॉर्म। देखिए दोस्तों, हम रुके हुए हैं राजगढ़ के स्टॉप पर और यहाँ पर काफ़ी अच्छी मॉर्निंग हो गई है और अब हम यहाँ से निकल दिए हैं। अभी हम जयपुर पहुँचने वाले हैं 1 घंटे बाद। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बीच बीच में ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे, माउंटेन होंगे, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी रहती है यहाँ पर। और देखिए आप इस व्यू को लीजिए, एंजॉय। और बाकी हम अभी गांधीनगर पहुंचने वाले हैं लगभग, और मौसम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हम राजस्थान नहीं बल्कि शिमला या मनाली जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम निकल दिए हैं जयपुर से और अजमेर शरीफ लगभग पहुंचने वाले हैं 1.5 घंटे में। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अजमेर। हम पढ़ते हैं अजमेर के जंक्शन पर, जहाँ मिलेंगे हमारे जावेद भाई। फाइनली दोस्तों, आ गए हम अजमेर शरीफ के दरगाह के स्टेशन पर और यहाँ से अब हम जाएंगे दरगाह की तरफ। ट्रेन आज काफ़ी लेट थी, लगभग 12 बजे छोड़ देती है, बट आज 2:45 हो रहे हैं, लगभग 2.5 घंटे लेट रही आज ट्रेन। गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हैं और दरगाह के लिए जाने के लिए जो ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाना होता है। बाकी दिखाते हैं हम आपको कैसे कैसे जाया जाता है। फाइनली आ चुके हैं हम स्टेशन के बाहर। ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा ऐसा है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और ऑटो वाले भैया भी खड़े रहते हैं। और आप दो तरीके से दरगाह पर जा सकते हैं, या तो पैदल जा सकते हैं ट्रैकिंग कर कर, क्योंकि दरगाह यहाँ से 1 किलोमीटर की दूर है, या फिर ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो का कॉस्ट किराया रहता है 10 रुपये पर पर्सन, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, बाकी डिपेंड करता है आपकी बार जिंदगी पर। रास्ता है स्टेशन के सामने, देखिए स्टेशन हो रहा है, वहाँ से हम आ रहे हैं सामने को स्टेशन, आपको सीधे ही इधर को आना है। आपको रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, इससे पहचान कर सकते हैं हम। बीच बीच में आपको ऐसे बोर्ड मिलते रहेंगे दरगाह जाने का रास्ता, आप इन एरो को फॉलो करते रहिएगा, दरगाह पहुँच जाएंगे आप। बोर्ड बड़ा इमाम हमारा दरगाह शरीफ, दोनों तरफ जा सकते हैं आप, इधर से भी और उधर से भी। दोस्तों देखिए यह है वो भी वाला रास्ता, ये दरगाह के बैक में गया है, दरगाह का बैक गेट वो हैगा देखिए। और इधर को गेस्ट हाउस की तरफ निकलेंगे हम, चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी क्राउड है और सबसे शानदार रास्ता रहता है पैदल के लिए। काफ़ी होटल मिल जाएंगे आपको, मार्केट मिल जाएगी, कुछ भी खरीद सकते हैं। देखिए देखिए हमारे बाल कैसे हो रहे हैं, बहुत बुरे हैं, जो भी गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पर और पसीना भी बहुत आ रहा है हमको। देखिए यहाँ पर होटलों की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आपसे करके टिकिया से करेंगे। देखिए और यह है ख्वाजा गरीब नवाज का गेस्ट हाउस, इसके अंदर आप बैग वगैरह भी रख सकते हो, अपना लगेज वगैरह भी रख सकते हो,
इसके अंदर आपको क्लॉक रूम भी मिलेगा और ये रहा गेट नंबर 2 दरगाह शरीफ का। अब हम गेस्ट हाउस में जा रहे हैं, यहाँ पर रूम का रेट ट्राई करते हैं। भाई ये भरा है हमने रूम लेने के लिए फॉर्म, ख्वाजा गरीब नवाज गेस्ट हाउस कॉम्प्लेक्स अजमेर शरीफ में। देखिए ये है वो ऑफिस, यहाँ पर आपको रूम मिल जाएंगे, काफ़ी सस्ते रूम है, ऑलमोस्ट 350 से स्टार्टिंग है। ये है भैया जी, हमने लिया है रूम पहली बार गेस्ट हाउस में और रूम है हमारा ऊपर, दिखाते हैं आपको। और अगर आप दिन डे बाई डे का टूर करना चाहते हैं और आपको लगेज वगैरह भी रखना है तो आप गेस्ट हाउस में रख सकते हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ रखना होता है वो। तो जैसे आप इधर को आगे जाएंगे ये लग जाएगा क्लॉक रूम, और यहाँ पर ऊपर आप शौचालय कर सकते हैं, नीचे क्लॉक रूम अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। देखिए ये है रूम एसी वाला, इसकी कॉस्ट मात्र 850 रुपये है पर रूम की, और नॉन एसी वाला जो है वो 350 रुपये में भी मिल रहा है और एक 550 में भी है। 350 वाले में बेड नहीं था तो हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, बट इसको सेलेक्ट किया है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा रूम है। जा रहे हैं दरगाह की तरफ तैयार होकर और दिखाएंगे आपको अंदर का नज़ारा कैसा है दरगाह का। अभी हम पर ये वाला जो रूम है ना उस पर आए थे, ये दरगाह से गेस्ट हाउस से बाहर आने के बाद आपको दरगाह गेट नंबर 2 ही मिल जाएगा, बट हमें एक्स्ट्रा करनी है, हमें एंट्री एक्स्ट्रा करनी है तो हमें जाना होगा इधर को राइट, और उससे पहले मिलेंगे आपको एक काले काले रसगुल्ले, काफ़ी अच्छी मार्केट है बेहतरीन। दोस्तों देखिए यह है दरगाह का मेन गेट जिससे हम एंटर होते हैं, इस पर निगाह पड़ती है एक अलग सा ही सुकून मिलता है, अपने स्लीपर वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हैं ऐसे। बाकी सबसे बेस्ट तो ये रहेगा जहाँ से आप फ्लोर वगैरह खरीदते हैं वहाँ रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, फूलों वाले के पास इस तरीके से हाथ में लेकर जाइएगा चप्पल अपने। मेन गेट से अंदर आने के बाद जो हम दूसरे गेट में एंट्री करेंगे उससे पहले दादा भाई ने लिए फूल, तो भाई ने लिए फूल और ये हम दूसरे गेट से एंट्री कर देते हैं तो आता है तीसरा गेट जो कि अकबर बादशाह ने बनवाया था, और अंदर भी फूलों की दुकानें मिल जाएंगी, चादर की दुकानें मिल जाएंगी, आप जो चादर और फूल यहाँ से भी ले सकते हैं। आप जैसे ही दरगाह का सेकंड गेट क्रॉस करोगे तो उससे थोड़ी सी आगे को राइट साइड में मिलेगी आपको अकबरी मस्जिद, आइए दिखाते हैं इसको अंदर से चलकर, काफ़ी हाइट पर है और काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, आप देखिए इसकी ज़्यारत कीजिए अंदर जाकर, लेकर चलते हैं आपको हम अंदर। और कहते हैं बादशाह अकबर ने बनवाई थी जब उसका लड़का हुआ था, और उसने अकबरी गेट भी बनवाया था जो कि तीसरा गेट कहते हैं। अकबरी मस्जिद से उतरने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे जैसे ही हम जाते हैं हमें मिलती हैं यहाँ पर 2 देगें जो कि एक छोटी देग है और एक बड़ी देग है, कहते हैं बादशाह अकबर ने इनको लगवाया था और इसमें लगभग छोटी देग में 2200 किलो खाना एक टाइम में बन जाता है जो कि लगभग 3000 आदमियों के लिए होता है, और इसमें देख लीजिए काफ़ी नजराना आया हुआ है अभी। और देखिए सामने रही वो बड़ी देग, और चलिए चलते हैं उसकी तरफ, और उससे पहले लीजिए इस नज़ारे का मज़ा, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आप जैसे ही चलेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको गुफा सी, ये गुफा नहीं है, ये देख के नीचे आग जलाई जाती है, इसको चूल्हा कहते हैं, इसको चूल्हा है भट्टी। और देखिए अब हम ऊपर चल रहे हैं, माशाल्लाह कितना बहुत सारा नजराना आया हुआ है इसमें, ये तो कुछ भी नहीं है, उर्स के टाइम पर जब आएंगे तो आप देख भरी हुई मिलेगी नजराने से, बहुत नजराना आता है अभी बहुत है, और लगभग इसमें 4400 किलो खाना बनता है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये जो वजू खाना आप देख रहे हैं इसका भी एक अलग इतिहास है, कहते हैं जब इंग्लैंड की रानी 1911 में यहाँ पर आई थी तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में जूते लेकर चली गई थी जिससे उसके पाँव जलने लगे थे, फिर उसने ख्वाजा साहब से माफ़ी मांगी और ये वाला वजू खाने का निर्माण करवाया। अब हम इससे जैसे ही आगे जाएंगे ये वाला गेट क्रॉस करेंगे तो हमको मिलेगी एक और मस्जिद जिसे जहांगीरी मस्जिद कहा जाता है, बादशाह जहांगीर ने बनवाया था इस मस्जिद को। टैन हो रहा इधर आपको मिलेगा चिल्ला बाबा फरीदगंज सगर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक जो कि 3 मुहर्रम को खुलता है, 3 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक के लिए खुलता है 72 घंटे के लिए, इसके अंदर भी जाते हैं लोग बाग ज़ियारत के लिए।
देखिए दोस्तों, आपको मिलेगा जन्नती गेट, जिसे जन्नती गेट कहा जाता है। ये खुलता है हर उर्स के मौके पर, माशाल्लाह काफ़ी मन्नत के धागे बन रहे हैं यहाँ पर। तो वह हम चलते हैं हाज़िरी देने के लिए दरगाह मुबारक के अंदर। हुजूर के कदमों के पास ही में उन्हीं की बेटी हज़रत हफीज़ा जमाल का मज़ार है ये। और आ रहे हैं बाहर की ओर दरगाह शरीफ से हाज़िरी देकर। इस वाले गेट के जस्ट सामने आपको कव्वाली का प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर कव्वाली होती रहती है। सो गाइस, ज़ियारत करने के बाद और कव्वाली सुनने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ पर करबला शरीफ के पास, जो कि बहुत ही कम लोग उस जगह को जानते हैं। और आइए दिखाते हैं हम आपको। करबला जाने के लिए आपको जहांगीरी मस्जिद के जस्ट बराबर से होकर जाना होता है। देख लीजिए, राइट साइड में जहांगीरी मस्जिद है और लेफ्ट साइड में वज़ू खाना है। अब जैसे ही आप आगे को जाओगे तो आपको ये यहाँ पर मुसाफिर खाना भी मिल जाएगा और लंगर खाना भी यहीं पर रहता है। और ठीक थोड़ी सी उसके आगे जाओगे तो आपको करबला शरीफ भी नज़र आ जाएगी। देखिए काफ़ी बड़ी करबला शरीफ है यहाँ पर, माशाल्लाह देख लीजिएगा दोस्तों। अजमेर आए तो इस करबला पर ज़रूर आएँ, दरगाह के अंदर ही ये करबला है। बहुत कम लोग जाते हैं इधर को, लेकिन जब भी आए जाएँ आगे से ध्यान रखें। तो देखिए हमें बैक साइड में दरगाह शरीफ की, और यहाँ पर रखे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े टैंक। और देखिए वहाँ पर दरगाह शरीफ, तीनों दरगाह को पूरा मज़ार एक साथ देख सकते हैं आप। और इधर को आप, वो जो अभी हम करबला दिखा करके आए थे आपको, वो करबला भी दिख जाएगी। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। दोस्तों अब हम चल रहे हैं दरगाह शरीफ से बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जाएंगे हम इस वाले गेट से। देखिए कितना प्यारा मंजर है यहाँ पर, कितना प्यारा नज़ारा है। ये वो है दरगाह शरीफ, ये है गेट। कितनी भीड़ हो गई है यहाँ पर बाद नमाज असर। और सो अब हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, और ये गेट आ चुका है यहाँ पर। लेफ्ट साइड में एक गेट है दरगाह शरीफ के अंदर जाने का, और ठीक फूलों की दुकान वगैरह यहाँ तक लगी हुई होती हैं। और ये जो सामने है ना वज़ू खाना, इसके पीछे संदली मस्जिद है, इसको संदली मस्जिद कहते हैं। और काफ़ी अच्छी मस्जिद है ये भी। और यहाँ पर मस्जिद के बराबर आपको फाजा शरीफ नमाज रहमतुल्लाह अलैह की बीवियों की दरगाह शरीफ भी मिल जाएगी। ये है वो दरगाह शरीफ, बीवियों की दरगाह है यहाँ पर। और ये हमारा गेट है, सब एग्जिट हो रहे हैं। दोस्तों संदली गेट से निकलने के बाद आ गए हम बाहर की तरफ। और जैसे हम आए थे तो उस टाइम क्राउड थोड़ा कम था, लेकिन अब देखिएगा क्राउड कितना हो गया है। तो बहुत आगे तक पब्लिक ही पब्लिक दिख रही है आपको। तो हम करते हैं इस ब्लॉग को एंड, पार्ट वन। पार्ट टू इंशाल्लाह डालेंगे हम जल्दी, क्योंकि होगा सेवन वंडर या आना सागर लेक का। जब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए इस ब्लॉग को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा पास बेस्ट था, और सपोर्ट कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।